बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र BSc सेकेंड ईयर में है और ये बॉटनी का सेकेंड पेपर है बेटा, बॉटनी का सेकेंड पेपर है आप देख रहे हैं, ये BSc सेकेंड ईयर वाले की बॉटनी का सेकेंड पेपर है और 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। 2022 में आने वाले यूपी के आल यूनिवर्सिटी के लिए, यूपी आल यूनिवर्सिटी जो है, आप चाहे TCS मेरठ यूनिवर्सिटी से हैं, आगरा यूनिवर्सिटी से हैं, बनारस यूनिवर्सिटी से हैं, जौनपुर यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है ना, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं, अवध यूनिवर्सिटी से हैं, अयोध्या यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर कह सकते हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हैं, MP, या फिर आप कह सकते हैं बरेली यूनिवर्सिटी से हैं, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं। सिलेबस सभी का एक जैसा है, कोई चेंजेस नहीं है। पेपर को आगे पीछे कर दिया गया है, बाकी वो भी पे चेंजेस नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, अपने गैस पेपर नोट्स को ओपन करना है और जो जो क्वेश्चन मैं आपको टिक लगवा रहा हूँ बस वही को लगा देना है और आप फिर देखना 85% प्लस लाओगे। आप 2022 के टॉपर बनने वाले हो, 2022 के आप टॉपर बनने वाले हो, 85% प्लस 2022 के एग्जाम में। आपने कभी सोचा नहीं था कि इतने भी ज्यादा परसेंटेज से मेरे पेपर फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा यार, चिंता करने की जरूरत तो नहीं है। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को, समझ रहे ना, पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करो फटाफट। देखो पहला क्वेश्चन बेटे लगा लो बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन है वो है पादप कोशिका की अल्ट्रा स्ट्रक्चर। पादप कोशिका जानते हो, मतलब कि जो प्लांट है उसकी जो कोशिका होती है उसकी संरचना आपको याद करना है, समझ रहे ना। तो यहां देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, तो कोशिका आप देख रहे हैं ना, प्लांट की कोशिका की अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको देख रहना है बाहर से। यहां देखो, यहां बोला है गल्जी कॉम्प्लेक्स के कार क्या होते हैं। आप देखो ध्यान से, गल्जी कॉम्प्लेक्स का वर्क, गल्जी कॉम्प्लेक्स होता क्या है, गल्जी कॉम्प्लेक्स के वर्क के बारे में देख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में छपेंगे। ये देखो, ये पूरे के पूरे भाई अभी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है, पूरा पेपर फंसा है, ध्यान रख लेना जो क्वेश्चन बता रहा हूं, वही पढ़ के चले जाना, कुछ मत देखो और बस यही अपने नोट्स बुक गैस पेपर जो भी है उस पर टिक लगा लो और यही पढ़ना है। और नोट्स हमारे डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑल नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके डाउनलोड कर लो। सेकंड ईयर में सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर में आराम से नोट डाउनलोड कर सकते हो। यहां देखिए केंद्रक की संरचना को पढ़ लेना है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स जानते हो, गुणसूत्र, ठीक है ना, गुणसूत्र को पढ़ो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह राइबोसोम को पढ़ लेना, जीन की अन्योन क्रियाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जीन की अन्योन क्रियाएं क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह क्वेश्चन, पेपर में यही छप रहा है। इसको देखिए, ये है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दोनों में आपसे अंतर पूछेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताइए। जैविक विकास को पढ़ लेना बेटा, ठीक है, जैविक विकास मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां देखो आपसे पूछ गया कोशिका विभाजन, सेल डिवाइजेशन, कोशिका विभाजन कैसे होता है, तो आपको दो टाइप का होता है, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा होता है सूत्री विभाजन, जिसको हम एक नई भाषा में समसूत्री विभाजन भी बोलते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, तो समसूत्री विभाजन को आप याद कर लेंगे। चलो उसके बाद क्या है, देखो नीचे जाइए और आप इसको ध्यान से देखिएगा, यहां बोला गया है मेंडल के नियम, तो मेंडल के तीन नियम दिए थे, तीनों नियम को पढ़ लेंगे। और एक आप देख रहे थे हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत, आप इसको भी पढ़ के जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये तो आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आप देख रहे हैं जलोदित्व और मरोदित्व, इन दोनों में आपसे अंतर पूछता है कि जलोदित्व और मरोदित्व में अंतर बताइए, पूरा क्वेश्चन यही फंसेगा। देख लो अनुकूलता किसे कहते हैं, आप इसको पढ़ेंगे। म्यूटेशन, म्यूटेशन के टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, म्यूटेशन 100% यही बनेगा। गुणसूत्र में होने वाले परिवर्तन, गुणसूत्र में कौन कौन से परिवर्तन आ जाते हैं, कौन बताएगा बेटा, बहुत सारे परिवर्तन क्या होगा, गुणसूत्र कभी कम भी होते हैं, कभी गुणसूत्र बढ़ भी जाते हैं, कम होते हैं तो कौन कौन से रोग जानते हो ना, मंगूल की भी बेवकूफी कहते हैं ना, अचानक इंसान पागलपन हो जाता है, मतलब होता दिमाग, उसमें दिमाग कम हो जाता है उसके अंदर, जब जिस बच्चे के अंदर क्या होगा, गुणसूत्र की कमी होगी, ठीक है ना। तो वैसे गुणसूत्र कितने होते हैं कोई बताएगा, 23 जोड़ी, चलो ठीक है। इसको देखिए, यहां बोला गया है मरुद्वित की परिस्थिति, इसको छोड़ दीजिएगा, परिस्थिति के अनुकूलन के बारे में, इसको देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, देखो हाई जो इंपोर्टेंट नहीं उसको नहीं बताऊंगा। पादप अनुक्रमण क्या होता है, आप इसको पढ़ के जाएंगे। और ये देख रहे हो हाइड्रोसेयर्स, इसका वर्णन, जीन इकोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट है,
ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, वो वाला मोस्ट है जीन इंजीनियरिंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जीन इंजीनियरिंग की परिभाषा। माइटोकंडेरिया बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए ठीक है। लुम्स ब्रश क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, लार ग्रंथि तो जानते हो कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, वो आप सभी लोग लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ के जाना। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, गुणसूत्री व्युत्पन्न, ये ठीक है व्युत्पन्न से बोलते हैं गुणसूत्री व्युत्पन्न, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं ना सह प्रभावता किसे कहते हैं, सह प्रभावता इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद करके जाइए। ये है बी क्रोमोसोम्स, जिसे हम कहते हैं बी गुणसूत्र, इसको आप पढ़ेंगे, गुणसूत्र के प्रकार बहुत जरूरी है ठीक है ना। इसको देखिएगा, ये आप याद करो, ये वाला हरित लवक क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर, हरित लवक क्रॉसिंग ओवर शॉर्ट में देखने को मिलेंगे, शॉर्ट में नाइट्रोजन चक्र शॉर्ट में देखने को मिलेगा क्वेश्चन ठीक है। ये बैंक क्रॉस टैक्स क्रॉस ये सब शॉर्ट में देखने को मिलेंगे। जीनोटाइप्स, क्योंकि आपको पता है 17 से 18 क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, 18 से 20 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 14 से 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं पेपर में ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, वो करके जाना है। कार्बन चक्र को देख लो, कार्बन चक्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लगाओ कार्बन चक्र पर ठीक है। पॉलीप्लेंडन के जैविक विकास का महत्व क्या होता है, आप इसको पढ़िएगा। जय देखो लैमार्क बाद डार्विन बाद की आलोचना, नव लैमार्क बाद नव डार्विन बाद, लैमार्क बाद लैमार्क का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। लैमार्क बाद नव लैमार्क बाद डार्विन बाद नव डार्विन बाद और लैमार्क बाद का सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखो पिरामिड क्या होते हैं, खाद जाल फूड चेन एंड फूड वेब, खाद जाल खाद श्रृंखला कितना इंपोर्टेंट है देख लेना, हर बार में छपा है क्वेश्चन आपके पेपर में, इसको रट के जाना है आप सभी को रट के, तब यदि आप 85% मतलब कि टॉपर करो, देखो टॉपर की सोच रहे हो ना तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है। यहां देखो बहुगुणता किसे कहते हैं, बहुगुणता, बहुगुणता को पढ़ लेना है। पॉली देखो पॉलीपेप्टाइड क्या होती है, इसको पढ़ लेंगे इसके महत्व के बारे में। अब जैव देखो यहां बोला गया है जैव भार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जैव भार वाला इतना इंपोर्टेंट नहीं होता लेकिन ऊर्जा वाला बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हुआ है। इसको देखिए, देखो ऑटाइकोलॉजी को, ऑटाइकोलॉजी को पढ़ लेना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आता है जीन प्रेरित, देखो ये होता है प्रेरित जीन उत्परिवर्तन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट पे लगा लेना प्रेरित जीन उत्परिवर्तन के बारे में। देखो पौधे में लिंग निर्धारण कैसे होता है, आपको पता है पौधे में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये पूछता है आपसे कि पौधे में लिंग निर्धारण कैसे होता है। प्राथमिक उत्पादकता को छोड़ दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाएंगे। ये वाला वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पौधे में लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं सेक्स डेवलपमेंट इन प्लांट। ओके तो ये क्वेश्चन थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, जो अभी आपके पेपर होने वाले हैं और जो हो रहे हैं वो भी ध्यान से देख लो, यही क्वेश्चन पढ़ के जाना है। 2022 का मॉडल पेपर आपको दे रहा हूं, जो आपके पेपर में छप रहे हैं क्वेश्चन, बाकी कुछ और मत पढ़ना, यही पढ़ के चले जाना, 85% प्लस लेके आओगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और एक न्यू चैनल है जिसका नाम है खिलाड़ी भाई एक्स वाई जेड, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। थैंक यू।